इम्पोर्टेंट तो जब भी हम मैच खेलते हैं वो हर परफॉर्मेंस रहता है, पर जैसे कोरोना के बाद हम लोग काफ़ी टाइम बाद ग्राउंड पे आए थे और एक अच्छा मैच खेल रहे थे और खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए ज़रूरी था और टीम के लिए भी, टीम को एक मोमेंट देने के लिए भी ज़रूरी था और होपफुली वो हुआ जैसा मैंने सोचा था, जैसा प्लान किया था वो सब हुआ। और जैसे लॉकडाउन पे तो मैंने काफ़ी फिटनेस पे अपने वर्क किया और जो बॉलिंग में मेरे थोड़ी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी उन पे थोड़ा फोकस किया, क्योंकि जो हमारे कोच है लियाकत अली खान, तो मैं अल्मोड़ा में ही थी पूरे लॉकडाउन में, तो मुझे उनके साथ अपनी बॉलिंग पे वर्क करने का टाइम मिला। और लास्ट ईयर हम कंटिन्यू सीजन खेल के आ रहे थे और इस टाइम काफ़ी गैप के बाद खेला तो तब अच्छा लगा आज खेल के और बॉलिंग में भी दिखाओ। जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से जैसे हम लोग यहाँ पर आए, 6 डे क्वारंटीन थे, तो हम लोगों ने उस टाइम पे भी ऐसे आपस में जो भी बॉलर थे बात कर रहे थे, उनके बैट्समैन को डिस्कस कर रहे थे। और जब हम लोग यहाँ पर ओपन नेट्स मिला तो तब हम लोगों ने थोड़ा विकेट देखा कि जैसे स्लो विकेट है, और जैसे बॉयज़ के मैचेस भी हो रहे थे तो मेंस आईपीएल में भी देखा विकेट स्लो है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपेयर किया कि कैसी बॉल करनी है, किस लेंथ में डालनी है और किस बैट्समैन का क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पर हम लोगों ने वर्क किया। जैसे लास्ट ओवर में 50 रन चाहिए थे तो उस टाइम पे थोड़ा हमको डिफिकल्ट लग रहा था, पर जब सुषमा ने और सुने ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और उन लोगों ने जब हिट करे तो फिर लगा कि हम अभी क्लोज आ गए। हमारा मतलब यही था कि क्लोज लाना है मैच को, जितने लास्ट ओवर तक ले जाना है, और उन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और सारा विनिंग का श्रेय उनको ही जाता है। हमारी टीम में जो है मिक्स है, सारे एक्सपीरियंस भी है और यंग टैलेंट भी है, तो अभी जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग हमसे ऐसे बात करने में डरते कि हम सीनियर हैं, हम सब ऐसे मिलके रहते हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अभी जैसे जो हम ओवरसीज प्लेयर हैं वो लोग भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं और वो लोग भी काफ़ी मजाक मस्ती करते रहते हैं। और सुमन मैम तो खैर कुछ बोलते ही नहीं है, जो करना है वो कर लो। सुमन मैम से सबकी अच्छी बॉन्डिंग।